हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड नाइट। तो मैं व्लॉग शुरू करते ही गुड नाइट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो व्लॉग है 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो आदित्य का कल जो है एग्ज़ाम है तो उसका प्रिपरेशन चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया और मैंने बोला चलो पूरा काम खत्म हुआ था, अब हम लोग खा पी लें, बच्चों को भी खिला दें, उसके बाद जो है बाहर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि घर में ना कोई सब्जी है, कुछ भी नहीं है, तेल भी खत्म हो गया है। हाँ, चूड़न नगर, तेल भी खत्म हो गया है। तो मैंने बोला चलो, हाँ मुंद दिए नहीं, तो तेल भी खत्म हो गया है। अरे आदित्य वेट, कुछ मुंद का ना माँ। तो अभी जस्ट भागा दौड़ी करके कार में आके बैठी हूँ, तो पसीने जो है टपक रहे थोड़े थोड़े। क्लिप नोको राट लेदू, इंका ఎత్తాలి ఎల్లట్లా, ఓకే లెట్ ఇట్ బి। सो आदित्य अगर कार में बैठ जाए तो बार बार सीट को आगे करता है, पीछे करता है, क्या क्या करता रहता है, फाइनली जो है डांट खा लेता है। देखो मुझे पसीने कितने आ रहे हैं। तो निकले अभी इसलिए है क्योंकि जो सब्जी वाला हमारा पॉइंट होता है वो तो 11-12 बजे तक भी रहता है। तो आई वाज लाइक कि सब्जी तो चलो बाद में भी ले लेंगे। वेट, तो सब्जी तो बाद में भी ले लेंगे, पहले तेल है उसको ले लेते हैं। तो इनको तो मैंने खिला दिया था, मेरे हस्बैंड को भी मैंने टिफिन दिया, वो ये डोसे डाले थे अकड़ा या अनकला, तो इसलिए हम लोग निकले हैं अभी। हाँ तो चलिए चलते हैं। अगर नदी क्या बोलते हैं तेल का पैकेट, और अगर तेल का पैकेट यहाँ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है ना। तो इस फोन में बार बार जो है स्क्रीन पे देखना शुरू कर रही हूँ, जैसे इनिशियली करती थी ना वैसे कर रही हूँ, बिकॉज पॉपअप को देखने का मेरे को थॉट ही नहीं आ रहा है। दाढ़ी 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 अकड़ा दाढ़ी।
फाइनली पूरी सब्जी वब्जी खरीद ली। तो फाइनली पूरी सब्जी वब्जी खरीद ली और बहुत बुरी तरह पसीने आ चुके, इसलिए मैं आगे बैठी। मैंने बोला आदित्य को कि पीछे चल जाओ, क्योंकि पूरा नहा ली मैं इतनी देर में, थोड़ी देर में पूरा नहा ली। चलिए अभी घर जाके तो कुछ है नहीं, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बस जाके सोना है। तो इसलिए मैंने पूरे काम खत्म करने के बाद ही निकले, ताकि घर पे जाके फिर गैस को फिर से चालू ना करना पड़े। तो मैं घर से ही जो है डिफरेंट डिफरेंट कवर्स लेके गई थी, ताकि जो भी सब्जियां अलग अलग कवर्स में डाल दो, और घर जाने के बाद फिर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है उनको दोबारा सॉर्ट करके अलग अलग रख के वो करने की। तो बास्केट में जिस चीज़ को डालना है उसको उस कवर में से निकाल के बास्केट में डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर उसी में रखने वाली चीज़ है कवर में तो कवर में ही रहने दे सकते हैं। तो बहुत जो है टाइम सेविंग वाली टेक्निक है ये। तो जिनको भी सब्जियां अरेंज करना पसंद नहीं है, बस आप जो है हमेशा बाहर जाने के लिए कोई 10 कवर अलग से रखो, जालियां जो आती है वो भी रख सकते हो। जालियां वाला नेट वाला जो बैग आते हैं वो मैंने खरीदे थे, लेकिन वो बड़ी जल्दी गुम हो जाते हैं। कवर्स का क्या है कि हर बार ही नए नए कवर्स मिल जाते हैं, तो टेंशन नहीं रहती है। चलिए सुबह मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये अगली सुबह है सब्जी लाने के बाद में, जो भी सब्जी लाई थी आज उनका यूज़ कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं दाल रख रही हूँ, लौकी दाल बना रही हूँ। दाल वाल सब धो के इसमें मैंने डाल दी है, एंड अभी जो है इस लौकी का छिलका विलका निकाल रही हूँ। कुछ लोग लौकी के बीज डाल देते हैं, कुछ लोग लौकी के अंदर का जो बीज रहते हैं वो नहीं निकालते। तो अगर लौकी फ्रेश होती है तो मैं रखती हूँ, अगर थोड़े ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना जब फ्रिज में भी रख के, तो तब मैं उनके बीज निकाल देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है लौकी डाला है। लौकी के पीस बड़े बड़े रखने से खाने के टाइम पे जब बीच में पीसेस आते हैं उसको हम हाथ से ऐसे स्मैश करके जब खाते हैं तो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एक टमाटर ऐड किया है मैंने इसमें, और नमक मिर्ची हल्दी एंड पानी ऐड करके थोड़ा सा जो है तेल ऐड करके, देखो ये लास्ट तेल था ड्रॉप जिससे ओनली दाल बन सकती थी, अदरवाइज टिफिन के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए कल गरीबत है, रात को तेल का पैकेट मिल गया। एंड स्क्रू ड्राइवर से जो है मैंने कुकर का ढक्कन टाइट कर दिया, एवरी वॉश के बाद ये ढीले होते ही रहते हैं, तो मैंने वो भी टाइट कर दिया, इसलिए मैं साथ में ही रखती हूँ स्क्रू ड्राइवर। एंड यहाँ पे वो रख दिया, दूध भी गर्म हो चुका है। एंड वो कपड़े में मैंने वो छिलके डाले थे जो मैं अभी डस्टबिन जो कवर है उसमें मैंने डाल दिया, उससे प्लेटफॉर्म जल्दी क्लीन रहता है, नीचे डालोगे तो उठा के करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस हिसाब से प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया। एंड मैं क्या कर रही हूँ मेरे को भी नहीं पता लगता, मतलब इतना सुबह सुबह क्या मैं इतना फास्ट फास्ट काम करती हूँ, इतने सारे एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ करके, बाद में देख के मुझे ही बड़ा ये होता है। तो वो सारा काम होने के बाद घर में जो है बाथरूम क्लीन करने के लिए कुछ लोग आए थे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। तो अभी हम स्विमिंग के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली बाथरूम क्लीनिंग के लिए एक कंपनी वाले आए थे जो हर महीने महीने में दो बार आके क्लीनिंग करेंगे, एंड अभिजीत वेट एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, एंड क्लीनिंग काफ़ी अच्छी करी है उन्होंने। तो अभी टाइम हो रहा था करके, एक्चुअली दोनों बाथरूम करने वाले थे तो कल भी आएंगे वो लोग, तो उन्होंने बोला कल भी जो बचा हुआ बाथरूम है वो कल कर देंगे। तो देवर लाइक कि आपको बाथरूम्स में जो है हार्पिक वार्पिक भी नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे आपके टाइल्स भी ख़राब हो जाते हैं। उनका कोई ब्रांड है, नाम याद नहीं मुझे, तो वो लिक्विड जो है आपके टाइल्स को ख़राब नहीं करते, दैट दे आर टेलिंग, बट आई डोंट नो। तो क्लीनिंग तो अच्छी करी है। अभी मैंने सामान जो सारा बाथरूम से निकाला था वो रखा भी नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है करके। तो चलो स्विमिंग का टाइम हो चुका है, निकल लेते हैं पहले, बाद में मिलते हैं। सो नाउ दिस इज़ अनदर मॉर्निंग। तो दो सुबह का वीडियो, मतलब दो तीन दिन का मिला के वीडियो बनाया, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैंने आपको कई बार ही बताया है, बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग दैट। एवरी डे व्लॉग में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कभी कभी मैं व्लॉग डालूँ उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो हाउस हेल्पर आ चुकी हैं, वो पहले बाहर पोछा लगा के आती हूँ, उसके लिए सेपरेट बकेट रखी हुई है, एंड घर में लगाने के लिए दूसरा बकेट है, एंड घर में और बाहर लगाने के लिए दोनों के लिए मॉपिंग जो है जो डंडे होते हैं वो दोनों अलग अलग है। तो मैंने देखो सोफ़ा आप लोगों ने खूब बोला कि हटाओ, आई मीन वो गद्दा हटाओ हटाओ, तो मैंने आपकी बात सुन के हटा दिया, पहले यही था। सो आई फील लाइक यू नो चेंजेस बार बार करते रहना चाहिए, तो इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। एंड अभी खिड़की के ऊपर वहाँ पे मैं थोड़ा साफ़ करा रही हूँ।
तो फिर पर्दे सुबह सुबह खोल देती हूँ और उसके बाद बंद भी कर देती हूँ। बंद इसलिए करती हूँ जब मुझे वीडियो शूट करना होता है तो उसमें ग्लेज आता रहता है, ऐसे देखो अभी सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था ना, वो ऐसे ज़्यादा होता रहता है जब खिड़कियाँ सनलाइट ज़्यादा गिरती रहती है, इसलिए उसकी वजह से मेरे को पर्दे लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज मैं खोल के रखती हूँ, ओनली वीडियोज़ जो आप देखते हैं उसमें बंद रहते हैं, क्योंकि तब वीडियो सही से नहीं आता, फिर क्लैरिटी सही नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए पोछा भी लग चुका है, मैक्सिमम ख़त्म होने वाला है सारा काम। तो जब भी कृपावती जी आती हैं हमारे घर में तो जो भी है सारी चीज़ें जो मैट वैट है फोल्ड करके मैं पहले दिन ही जब नए नए काम में लगाती हूँ मैं सारे पहला ही बता देती हूँ कि भाई ये हटाना है, ये निकालना है, ये उठाना है, ये वहाँ करना है, यहाँ करना है, ताकि हर दिन जो है बोलना ना पड़े। अगर आप हर दिन नई चीज़ बताएंगे ना तो जो हाउस हेल्पर्स होते हैं वो भी इरिटेट रहते हैं। अभी मैंने मैट बिछा दिया, अब मैं रेडी होकर मिलती हूँ। हाय एवरीवन, तो अभी सुबह के जो है 10:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमारे अपार्टमेंट में ऊपर एक लड़की का ओनी फंक्शन है, कुछ करते हैं यहाँ पे साउथ में, जैसे इससे पहले मैं एक ओनी फंक्शन में गई थी ना वैसे। तो यहाँ पे अभी इतना मतलब फंक्शन कहीं और नहीं जाना है, अपार्टमेंट में ही ऊपर जाना है, बस जाके आ जाना। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन रखी है, एक बार आपको लुक दिखा देती हूँ और फिर मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। तो ये वही साड़ी है जो मैंने एक बार आप लोग को दिखाई थी, मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन है, अमेज़ॉन से ली थी मैंने ये साड़ी। काफ़ी अच्छा इसके ऊपर पूरे ऐसे एलिफेंट के प्रिंट बने हुए हैं, सो इट्स लुकिंग वेरी डीसेंट एंड वेरी रिच, आई लाइक इट सो मच। सो मेरे हस्बैंड ने अभी तक मेरे को इस साड़ी में देखा नहीं है, देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। द रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन ऑलवेज गोज वेरी गुड। सो अभी मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए ऊपर जाती हूँ एंड अटेंड करती हूँ, जो भी पता नहीं ख़त्म हो गया कि नहीं पता नहीं। तो मैं लेट हूँ एक्चुअली, सुबह 10 बजे तक ही बुलाया था, तो अभी चलते हैं हम लोग, चलिए। एंड मेकअप कुछ खास नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऐसे हेयर स्टाइल बनाया एंड फेस पे बस एक क्रीम लगाई, मॉइस्चर लगाया और लिपस्टिक बिंदी लगाई, बस और कुछ नहीं, एंड काजल, दैट इज़ ऑल। अभिषेक भी बोल रहा है लेट्स गो। हाँ चप्पल इसको आई आकर ले, मामूल चप्पल इसको अकड़ इप्पल का दा दा पता। सो यहाँ पे मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ लड़की को। मेरे को ये सारे ट्रेडिशंस काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता है क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो जिसको भी पूछो वो सब लोग बोलते हैं हमको पता नहीं है, वो जब बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो तो वो लोग कर लेते हैं। तो अक्षिंतलू बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो चावल और हल्दी का मिक्सचर होता है उसको डाला। उसके बाद तो मैंने बोला चलो आपका वीडियो निकालती हूँ, एक बार खड़े हो जाओ, आपकी ड्रेस वेस दिखाओ। तो ऊपर अभी हम जाके आ गए तो हमारी बाजू वाली आंटी भी आके बैठी हैं यहाँ पे। तो आंटी कभी कभी बीच में आते रहते हैं, वही यही होता है मैं ही नहीं जा पाती हूँ किसी के घर में क्योंकि मेरे को खाली टाइम मिलता नहीं है। एक तो छोटा सा बच्चा है मेरा तो उसकी देखभाल वेखभाल करनी पड़ती रहती है। तो अभी आंटी यहाँ बैठी थी और आंटी ने बोला कि उन्होंने जो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र है वो नया सा ख़रीदा है, कोई बनवाया है एक्चुअली, तो वो मुझे दिखा रही थी। उसके बाद कुछ उससे इर्द गिर्द ही उसकी बातें चल रही थी। उसके बाद ये बलून जो है अभिषेक तो ऊपर से लेके आया, उसके साथ खेल रहा था। तो अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत आंटी से इसने जो है बात करनी शुरू करी है, वरना बिल्कुल नहीं बात करता था। तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है अभी आंटी को, मतलब ज़्यादा जो उसके साथ खेलते नहीं उनसे वो जल्दी बात नहीं करता है। एंड जो मैंने बताया था ना कल जो लोग आए थे वो सुबह अभी दोबारा आ चुके हैं। सो किचन में क्या कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे, तो वो उसकी स्टोरी मैं आपको आगे मेंशन करूँगी, वो आप देख लेना। अभी मेरा घर पूरा कबाड़ मच चुका है और इस कबाड़ में मैं एकदम फुल रेडी हूँ, जो कि मुझे अपना गेटअप अभी चेंज करना है। एक्चुअली पहनने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे को लगा कि मेरे हस्बैंड के आने तक मैं रख लेती हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि मैं साड़ी पहन के उसके बाद एक मिनट भी रहूं। तो आंटी बार बार जाने मतलब आ रहे थे, फिर कुछ याद आ रहा था, फिर पीछे आ रहे थे, फिर कुछ बता रहे थे, फिर आ रहे थे जा रहे थे। तो आंटी जब आते तो आंटी को भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, बैठते हैं काफ़ी अच्छी तरह। तो बोल रहे थे अभी आपने तो खाना बना लिया, मुझे बनाना है खाना करके वो बोल के आंटी फाइनली जो है देखो फिर पीछे मुड़े, अभी फाइनली जा रहे हैं। तो जो भी किचन का सामान था सब कुछ किचन से खाली होके पूरा आ गया, मतलब जो ड्रॉर्स थे जो बास्केट्स थे उन सब का सामान है, एंड जो प्लेटफॉर्म भी था वो सारा सामान है, जो बाकी चीज़ें थी वो तो अंदर है। हेलो, सो अभी मैंने जूड़ा बांध लिया क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है एंड ऊपर जाके आ गई हूँ, तो ये टीका वीखा लग चुका है अपने को। एंड मेरे घर में मैंने कल जो बाथरूम क्लीनिंग को बुलाया था उन लोगों को बुलाने के बाद में एक और बाथरूम रह गया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्विमिंग का टाइम हो रहा था। तो आज वो लोग आए तो उन्होंने जो बाथरूम क्लीन किए इतने नीटली साफ़ किया है सब कुछ, टैप्स भी जो थोड़ा रस्ट वस्ट हो चढ़ रहा था जिसपे
वो भी एकदम चमक उठे हैं सारे के सारे। तो आई वाज लाइक कि किचन को भी क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि जो बास्केट्स लगी हुई है किचन में वो थोड़ी थोड़ी रस्ट, उसमें थोड़ा थोड़ा रस्ट आ रहा है कहीं कहीं पे, और जो बाहर के हैंडल्स है उसमें भी थोड़ा थोड़ा, मतलब अब हो जाता है ना ख़राब सा, ख़राब भी नहीं कहेंगे, वो कुछ जम सा जाता है, बिकॉज़ यहाँ का जो पानी है, पानी की वजह से ही, वो हार्ड वाटर की वजह से वो सारा येलो येलो सा हो रहा है। तो मैंने बोला चलो एक बार क्लीन करा लेते हैं, एक बार क्लीन कराएंगे तो साल भर की छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए अभी मेरा घर पूरा कबाड़ हो चुका है एंड मैं यहाँ जल्दी जल्दी हूँ उस कबाड़ में, और मेरे को अभी जल्दी से कपड़े चेंज करने और अपने नॉर्मल अवतार में आना है, बिकॉज आई हैव टू इन लेट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। एंड इसको देखो ये गाड़ी चला के अरे अरे, तो सारे बर्तन शेल्फ्स के, अरे अभिषेक ताबो, तो सारे शेल्फ्स के बर्तन वर्तन निकाल के वो रख रहे हैं यहीं पे, सब कुछ किचन का खाली कर रहे हैं, ए टू जेड खाली हो जाएगा, क्योंकि खुद को क्लीन, मैं एक्चुअली कुछ दिन से सोच रही थी कि मैं क्लीन करूं, लेकिन मैं भी अगर क्लीन करती तो इतना क्लीन नहीं होता, बिकॉज मैं जो करती मैं मिट्टी वट्टी साफ़ करती या जो भी धूल मिट्टी है वो साफ़ होती, लेकिन जितना भी चमका लूँ उतनी शाइन नहीं आती, बिकॉज अपने पास वो लिक्विड्स नहीं है। अगर मैं मंगा भी लेती तो मेरी इतनी मतलब एनर्जी एनफ नहीं होती कि मैं वो पूरा क्लीन कर पाती। तो इसी दौरान जो है मुझे आइडिया आया, रात को ही आइडिया आया मुझे कि इनसे ही पूछ के देखते करेंगे अगर क्या। दूसरी एक चीज़, सुबह एक्चुअली रात को मैंने सोचा, फिर मैं भूल गई, फिर सुबह मैं ऐसे ही अपना फ़ोन ब्राउज़ कर रही थी, तो उसमें कुछ क्लीनअप, कुछ ऐसी स्पॉन्सर्ड जो इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं ना कुछ कुछ ऐड्स, तो उसमें मैंने देखा कि एक स्प्रे कर रहे हैं, जला हुआ हो या रस्ट आया हो, स्प्रे करते तुरंत ही वो गल के निकले जा रहा था, और वो छोटी सी बॉटल है उसमें एक टैबलेट टाइप की डाल रहे थे, क्या है उसका नाम, क्लीन टॉप करके कुछ था उसका नाम, और उसके साथ टैबलेट्स आ रही थी। तो मैंने सोचा लेते हैं, उसका बाइंग का लिंक भी दिया हुआ था, तो वो इतनी सी बॉटल जो है 700 रुपये की थी। देन आई वाज लाइक बाप रे, तो मैं ऑर्डर करने जा ही रही थी तभी मेरे को आया ये लोग आने वाले थे, उनसे इनसे पूछ के देखते हैं अगर ये कर देंगे ठीक है, नहीं तो मैं वो ऑर्डर कर दूँगी करके। तो वो 700 की बॉटल आप लोगे तो क्लीनिंग तो आपने खुद नहीं करनी है ना। तो अभी पूरे किचन की क्लीनिंग एंड बाथरूम क्लीनिंग एंड बाहर की बालकनी भी, बाहर की बालकनी एंड दोनों बाथरूम क्लीन हो चुके हैं, और बस ओनली किचन बचा है। तो पूरा मिला के इट इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 3000 हो रहा है पूरा मिला के। तो आई फेल्ट कि ठीक रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ एक एक बाथरूम के लिए ही 500-500 रुपये हो जाते। तो मेरे को लगा भैया हर रोज़ की क्लीनिंग अलग होती है एंड दिस इज़ अ फुल मतलब ओवरऑल क्लीनिंग, तो मैं इसलिए मैं करवा रही हूँ, मेरे को चमकता हुआ किचन चाहिए हमेशा। अभी क्लीन हो जाएगा तो आई विल फील रिलैक्स्ड, एंड अभी मेरी उसके बाद बैड बनने वाली है, क्योंकि ये जो भी सब कुछ निकाला है क्लीन करके रख के तो जाएंगे नहीं, मतलब बाहर तो रख दिया उन्होंने, पूरा अरेंज तो मुझे ही करना है, तो इसलिए अरेंजमेंट में आना है तो अपनी ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी। एंड वैसे मेरा मेकअप लुक एंड ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है साड़ी का ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये वाली ज्वेलरी पहनी थी जो मैंने आपको दिखा चुकी है पहले भी, ये तो यही है, अभी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। सुबह सुबह मैंने पूरा सेटअप भी चेंज किया था, आप लोग बोल रहे थे गद्दा निकालो, तो निकाल दिया मैंने गद्दा, एंड बीन बैग और आदित्य का जो स्टडी टेबल है वो यहाँ पे रख दिया है मैंने फॉर टाइमिंग, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है शिफ्ट होता रहेगा इधर उधर। एंड अभी बहुत सारे कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए जो उस रूम में पड़े, पूरा कबाड़ मचा हुआ है घर का, तो क्या बताऊँ, कभी कभी ना अनएक्सपेक्टेडली सुबह पूरा घर एकदम रेडी हो गया था, एंड अनएक्सपेक्टेडली अभी ये काम शुरू हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि वो लोग करेंगे या नहीं, अब ये शुरू हुआ है। एंड क्या, अब चलो चलने दो जो चलता है। ओ भैया मेरे को बोल रहे हैं जो क्लीन कर रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे थे मैडम आप अपनी मेड को जो है बुला लीजिए शाम को भी, नहीं तो आप पूरा ये सब कुछ यहाँ पे जो भी है यहाँ पे ये सब कुछ बहुत कुछ है, वैसे आपको दिख रहा है कि बहुत सारा कुछ है जो साइड साइड में भी रखा हुआ है, ये सब कुछ अरेंज करके खाना कैसे बनाओगे मुश्किल हो जाएगा आपको करके बोल रहे थे। तो मेरे को शाम को तो वो लोग आते नहीं, बट फिर भी पूछ के देखूंगी मैं, अगर आ जाए तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो भी किचन के ड्रॉर्स थे वो सारे बाहर लेके आए, तो उन्होंने जो भी उनके लिक्विड थे वो सबसे साफ़ किया, फिर पानी से साफ़ किया, फिर उनको कपड़े से साफ़ करके पूरा ड्राई कर दिया। देखिए जो भी इसमें ये जो स्टील का है उनके लिक्विड से बड़े फटाक से क्लीन हो रहा था, वो लाइक कि हम लोग घिस घिस के इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहे थे और फिर भी नहीं निकल रहा था, और इन्होंने ये लिक्विड लगाया और आराम से निकल गया, जैसे बर्तन रेगुलरली साफ़ करते ना वैसे लगा के इन्होंने थोड़ा सा घिसा और पूरा निकल गया। तो अभी सारे के सारे चमक रहे हैं, एंड घर देखो ये देख के डर लग रहा है कब तक अरेंज होगा सब कुछ। तो साफ़ करने से पहले देखो ऐसे हालत हो रही थी, कुछ दिन पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर से किया था लेकिन जो भी रेत या मट्टी थी वो सब निकल गई थी, लेकिन जो
जो मतलब चिपका हुआ होता है वो नहीं निकला था, क्योंकि अभी हम बर्तन वर्तन रखते हैं, थोड़ा बहुत पानी कभी रह जाए तो उसकी वजह से मिट्टी के ऊपर पानी गिर जाए तो वो स्टेन वैसा ही रह जाता है। तो देखिए पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया, अभी देखिए साफ होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। सो वो लोग चले गए पूरा साफ़ करके, एंड मैंने मेरी जो हाउस हेल्पर कृपावती है उनको फ़ोन किया। मैं वो शाम को वो आती है, हमारे घर नहीं आती, किसी और के घर आती, तो मैंने फ़ोन करके अगर टाइम मिलता है तो आ जाओ करके बोला, तो आ गए। तो सब कुछ उन्होंने जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर दी मेरी, तो थोड़ा उससे मेरा काम बेटर हो गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल जो भी है अरेंजमेंट करते करते रात को मुझे बहुत टाइम हो गया। जो मेरी हाउस हेल्पर आई थी उन्होंने मुझे पूरा जो भी है सब कुछ वहाँ से निकाल के प्लेटफॉर्म पे वो रख के चली गई। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अरेंज किया उसको, तो काफ़ी टाइम हो गया। और मतलब मैंने बर्तन वर्तन तो रख दिए थे, लेकिन कुछ चीज़ों जो थी वो प्लेटफॉर्म पर ही थी, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि आगे मैं कुछ शूट करूँ। और रात को सोते सोते मुझे रोज़ पता नहीं क्यों इतना टाइम हो जाता है, सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी, इधर से उधर घूमे जा रही थी, तो ऐसे मुझे एक या डेढ़ बज गया। एंड अब सुबह का जो है खाना वाना सब बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, एंड ओवरऑल किचन भी क्लीन हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, जो भी हैंडल्स थे जहाँ से थोड़ा सा ना रस्ट लग रहा था वो सारा क्लीन हो गया। एंड बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आपने चिमनी क्यों नहीं लगाई, तो चिमनी हमने मंगवाई थी, तो चिमनी का कॉस्ट के अलावा उन्होंने उस टाइम पे वहाँ शॉप पे बोला कि इंस्टॉलेशन फ्री है, एंड जब हम उसको घर पे लेके आ गए तो उसने बोला 3,000 लगेगा इंस्टॉलेशन, क्योंकि दीवार में होल करना ही है। मैं पहले तो बोला था फ्री है करके, तो अभी की बात नहीं है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब अभिषेक पेट में था तब की बात है। हमने तो और तब मैं प्रेग्नेंट होने के बाद फिर अपने घर जाने वाली थी, हमने बोला ऐसे झूठी झूठी बातें वालों पे हम विश्वास नहीं करते, ले जाओ अपना इधर चिमनी विमनी है, तब हमने वापस कर दी। और उसके बाद वापस आने के बाद अभी तक नहीं लगाई, अभी हम लगाएंगे थोड़े दिन में। तो क्योंकि यहाँ चिमनी भी नहीं है या यहाँ पे खिड़की भी नहीं है, तो होल भी नहीं है, उसकी वजह से जो है जो तेल वेल होता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टिक हो गया था, जो कि अभी इतना स्मूथ हो गया है, ये एकदम सफाचट साफ़ हो चुका है, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यू विल बी एबल टू एनालाइज दैट और नॉट, बिकॉज कैमरा में पता लगेगा कि नहीं, फिर भी दिखाती हूँ। तो ये सिंक जो है एक्चुअली बहुत साफ़ है, लेकिन पिछली बार पुराने वर्कर्स ने इसमें एसिड डाल दिया था, तब ये काला हो गया, एंड थोड़ा ठीक हो गया था और कल उन लोगों ने फिर कुछ डाल दिया, ये और काला हो गया उसकी वजह से। सो साफ़ होते हुए भी साफ़ नहीं दिख रहा है ये। एंड ये जो टैप्स है वो भी देखिए एकदम चमक चुके हैं, एंड ऊपर ये नीचे लगा के रखे थे उनको ऊपर लगा दिया है, और ये सारे जो भी हैंडल्स हैं इनके ये सारे एकदम चमक चुके हैं। एंड खाना वाना बन चुका है तो सब मैंने वहाँ रखा है, एंड सब कुछ अरेंज कर दिया है, तो सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो साफ़ तो हमेशा से रहता था, लेकिन कैमरा में इतना नहीं दिखता है ना, तो जो ग्रीजीनेस था, जो चिपचिपाहट थी थोड़ी बहुत, वो भी पूरी चली गई है ना। किचन साफ़ रहता है तो हाउसवाइफ्स को कितना अच्छा लगता है ना। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये सब देख के, तो एक लाइक तो अभी ज़रूर चिपका ही दो और शेयर भी कर लो। और अगर आप लोग को भी, अगर आप विजयवाड़ा में रहते हैं, तो अगर आपको भी ऐसी कुछ सफाई वफाई करानी है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। एंड अगर आप इन्हीं लोगों से करवाना चाहते हैं तो मैं पूछूँगी उनसे कि अगर वो करते हैं कि नहीं, अगर करते होंगे तो मैं कमिंग वीडियोस में उनका नंबर शेयर कर दूंगी उनको पूछने के बाद। बिकॉज मैंने उनसे कल पूछा था बर्थडे सेट की, मैडम मैं बता करके बताऊंगा करके, तो उन्होंने बताया नहीं, मे बी होते होंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी है शेयर भी कीजिएगा इसलिए, ताकि ऐसी सफाइयाँ, क्योंकि लेडीज़ को इतना सारा काम सफाई वाला करना है तो 2-3 दिन लग जाते हैं, और इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती जैसे इन लोगों ने किया, आई कांट एक्सप्लेन, इट्स सुपर्ब। तो इसलिए शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।